मॉर्निंग्स, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। फोन पर हुई कॉल गर्ल बुक, कमरे पे आई पत्नी, फिर जो हुआ वो हैरान कर देगा। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कभी कभार ज्यादा पैसा पाने के लिए, ज्यादा लालसा रखने के लिए कोई भी इंसान कुछ ऐसे कदम उठा देता है जो कि समाज में काफी ज्यादा गलत कहलाता है। उस दौरान ही आज हमारे सामने एक ऐसा ही गलत एक ऐसा मामला आया है जो कि एक्चुअली में पति ने अपने होश तक उड़ा लिए है कि उसके साथ हुआ तो हुआ ऐसा क्यों। गैस, ये जो पूरा मामला है उत्तराखंड के काशीपुर से हमारे सामने आ रहा है, जहां पर कुछ समय पहले ही एक लड़की की शादी हुई थी और उसके घर पे एक नई नवेली दुल्हन आई थी और सब चीजें आराम से चल रही थी। कुछ दिनों के बाद एक एक्चुअली में उसका फेरा जो वापस होता है मायके पे, वो फेरा था और पति जो है वो उस फेरे के लिए अपनी पत्नी को वहां पर छोड़ के आ गया और पत्नी ने कुछ दिन वहां पर बिताए। और ज्यादातर बताया जा रहा है कि पत्नी जो है मायके में ही दिन बिताती है, अपने ससुराल नहीं आती है, पर फिर भी उसके पति ने कुछ भी ऐसा आनाकानी कुछ भी नहीं की। इस दौरान ही उसके पति को एक्चुअली में जो उसकी पत्नी की एक सहेली है उसने फोन करके कुछ बातें बताई। उसने ये चीज बताया कि जिसको तुम पत्नी बोलते हो, जिसको तुम इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या सब चीजें करती है, क्या तुम्हें पता है। तो उसने बोला कि तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसा सब चीजें क्यों बोल रही हो। तो उसने बोला कि वो एक्चुअली में धंधा करती है और काशीपुर की एक महिला है जिसके संपर्क में आके वो ये सब चीजें करती है, कॉन्टेक्ट ढूंढती है। इसके बारे में जानने के लिए एक्चुअली में पति ने काशीपुर की उस महिला से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद कॉल गर्ल बुलाई, पहले तो उसने संपर्क किया और उस महिला ने काफी सारे नाम बोले। नाम बोलने के साथ उसने एक्चुअली में पति ने सोचा कि नाम तो बोल दिए है, उसकी पत्नी का नाम भी इसमें है, क्या मालूम कोई और ही हो। तो इसीलिए उसने एक लड़की जो उसी नाम की थी वो बुक कर ली और बुक करने के बाद दिए गए पते पे उसको बुला लिया। जैसे ही वो वहां पर पहुंची तब उसके सब चीजें आंखों के सामने आ गई। उसकी पत्नी ही कॉल गर्ल के वहां पर पहुंची थी। इस दौरान उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई। वहां लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसके कारण उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ा और वहां पर जाके भी उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी काफी ज्यादा हंगामा किया और लड़की ने लड़के के ऊपर दहेज का आरोप लगाना शुरू कर दिया और उस दौरान लड़का काफी ज्यादा सुदबुद हो गया कि उसके साथ हुआ क्या है। आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी हमारी तरफ से काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।